गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें गुड आफ्टरनून भाई एक बार सभी लोग कमेंट करें जल्दी से मेरी वॉइस आ रही है क्लियर आप लोगों के पास सब कुछ बेहतर और क्लियर है अगर शुरुआत करें क्लास की चलिए कुमार रवि काजल एवरी वन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून चलिए भाई सब कुछ बेहतर परफेक्ट है और डेली क्लास होती है भाई यहाँ पर जीएस का सेगमेंट आपको डेली आफ्टरनून में मिलता है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर ये सारी क्लासेस आपके लिए लगातार इसी टाइम पर आफ्टरनून के शेड्यूल में होती है आज की क्लास में जो हमें बात करनी है बेसिकली वो आपको देख पा रहे हैं टाइटल होगा नीति आयोग और फाइव ईयर प्लान्स को लेकर 2024 में अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो उन सभी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए ये क्लास बेनिफिशियल होने वाली है अब इस क्लास में आपको पढ़ना क्या वो समझ लीजिए उसके क्वेश्चन करने हमें जिसमें हम बात करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन को लेकर जो पहले बना था लेकिन अब बंद हो चुका है एनडीसी के बारे में यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में उसके अलावा नीति आयोग के बारे में और साथ ही जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं बारह योजनाएं बनी और साथ में छ एनुअल प्लान बने एक एक साल वाली योजनाएं वो सारी यहां पर करेंगे भाई तो भाई तो चलिए आप सभी को यहां पर स्वागत है भाई और हम बात करने वाले हैं जल्दी से क्वेश्चंस की तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल आराम से दीजिएगा राम राम भाई सभी को और चलिए भाई बिल्कुल डेली एक क्लास होती है भाई यहां पर और उसको याद रखिए भाई तो चलिए भाई आत्मनिर्भरता को एक उद्देश्य के रूप में सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था यानी आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था मुख्य बिंदु था देखो हमेशा याद रखो कि सिर्फ क्वेश्चन को करने नहीं है हमें बल्कि हर क्वेश्चन के साथ अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करना है हमें सीखना भी है यहां पर कि इससे रिलेटेड क्या सवाल आ सकता है देखो एक होता है आत्मनिर्भरता एक है आत्मनिर्भरता और एक है प्रगतिशील आत्मनिर्भर यानी जब प्रगतिशील की बात की जाती है इसका मतलब होता है कि किसी एक टारगेट को जब हम दूसरी बार लेकर आते हैं तो उसमें कुछ अपडेट कर देते हैं जैसे मैं आपको बताऊं कि एक योजना आई थी जिसका मतलब था समावेशी व सतत विकास पूरी बात समझना लेकिन जब इसी उद्देश्य को नेक्स्ट टाइम लेकर आना था अगली योजना में तो थोड़ा सा परिवर्तन किया और ये कहा तीव्र अधिक समावेशी व सतत विकास यानी कि इंग्लिश में कहेंगे आप इसे फास्टर मोर इंक्लूसिव व सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब देखो यहां पर याद रखना है कि कई बार सवाल ऑप्शंस के आधार पर सॉल्व होते हैं जैसे कि तीसरी योजना में हमारा पॉइंट था आत्मनिर्भरता कि हमें सेल्फ रिलायंस बनना है अपने पास उत्पादन इतना करना है कि किसी और पर जरूरत ना पड़े डिपेंड होने की और चौथी योजना में इसको ही कर दिया गया था प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस ग्यारहवीं योजना जो आई थी हमारी उसमें था समावेशी और सतत विकास लेकिन जैसी ही बारहवीं योजना याद रखना उसमें हो गया था तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास चलिए भाई ऑफिशियल सर कहां से हो भाई उसको छोड़ेंगे तो अभी हम बात जो कर रहे हैं उस पर बात आती है जल्दी से तो इस आधार पर आपको तीसरा ऑप्शन नहीं दिया गया पर चौथा दिया गया है तो राइट आंसर होगा फोर्थ फाइव ईयर प्लान चौथी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है भाई बात क्लियर हो गई यहां तक सभी का टाइम बताऊंगा सर टाइम भी बता दीजिए देखो मेरे दोस्त टाइम बता दू तो सिक्सटी वन से लेकर तक ये तीसरी चली थी और उसके बाद कुछ साल का गैप हुआ था 69 से लेकर सेवन तक चौथी चली थी दो हजार सात से लेकर दो हजार बारह तक ग्यारहवीं थी और दो हजार बारह से लेकर दो हजार सत्रह तक ये हमारे पास बारहवीं योजना रही लास्ट योजना रही आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ भारत में जो नीति आयोग बना है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है लेकिन इनमें से वो कौन सा काम नहीं करता याद रखना है सवाल ये पूछा जा रहा है कि नीति आयोग जो डिफरेंट वर्क करता है उनमें से कौन सा काम है है जो नहीं करता तो भाई याद रखो देखो नीति आयोग बना है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे भी आगे क्वेश्चन में लेकिन जो नीति आयोग है देखो एक तो ये पंद्रह वर्षीय योजना बनाएगा पूरी बात समझना पहले नीति आयोग क्या करेगा सर पंद्रह वर्षीय योजना बनाएगा अब पांच वर्षीय नहीं बनेगी अब पंद्रह वर्षीय बनेगी पंद्रह वर्षीय योजना बनाएगा और दूसरा यह सात वर्षीय यानी सात साल का सेवन ईयर का विजन स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान विजन स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान कहते हैं इसे हिंदी और इंग्लिश में भी इसको इसी तरह नाम दिया जाता है कि एक विजन स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान लाया जाएगा ये सात वर्ष का होगा इसके अलावा देखो इसका काम होगा केंद्र और राज्य के बीच में केंद्र व राज्य के संबंधों को अच्छा किया जाए क्योंकि केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं देश में इसको कहते हैं संघवाद है हमारे देश में योजनाओं को बनाना और उनको मॉनिटर करना देश में याद रखना ये जो काम करता है सर बेसिक तौर पर इसका काम गरीबी के लिए रिपोर्ट लाना बेरोजगारी की बात करता है यही भी करता है और साथ में एक सतत विकास होता है जिसे धारणीय विकास या सतत विकास कहते हैं इसको करने का भी काम इसी का होने वाला है क्यों सतत मतलब जो लॉन्ग टाइम तक चलता है लंबे समय तक चलता है उसको कहा जाता है तो मेरे भाई बिल्कुल आराम से याद रखना पर्यावरण को सेफ करना तो याद रखो गरीबी बेरोजगारी और सतत विकास और सतत विकास में ही पर्यावरण आता है सतत विकास में ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी आती है एलिमिनेट करना है गरीबी को भी करना है संघवाद मतलब केंद्र राज्य मिलाकर करना है ये बी ऑप्शन क्या कहता है सर केंद्र और राज्यों में फंड का करना यह काम वित्त आयोग का है अभी आप मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट करके कि सर हमारे देश में अब तक कुल कितने आयोग बन चुके हैं वित्त आयोग कहते हैं जिन्हें आर्टिकल 280 कहता है और 280 आर्टिकल के हिसाब से अब तक एक सोलह बार वित्त आयोग बना है अभी सोलह बन चुका है जो 2026 में लागू होगा अरविंद पनगड़िया उसके चेयरमैन होंगे अभी पंद्रवा चल रहा है एनके सिंह उसके अध्यक्ष हैं तो आपको कई बार ये करना है कि एलिमिनेट करके देखना है कि सर क्या सही है क्या गलत हो सकता है इसका आधार ये हुआ एलोकेशन करना सेंट्रल फंड का राज्यों को यह केंद्र सरकार में वित्त आयोग का काम है तीसरी पंच वर्षीय योजना के बाद तीन वर्षों तक कोई योजना नहीं लाई गई या एक वर्षीय योजना लाई गई थी आप बताएं उसका मुख्य कारण क्या था देखो पहली योजना इक्यावन से छप्पन तक आई जो एग्रीकल्चर वाली थी दूसरी योजना छप्पन से लेकर इकसठ तक आई थी जो उद्योगों पर केंद्रित थी तीसरी योजना 61 से लेकर 66 तक आई थी लेकिन जो तीसरी योजना आई थी इकसठ से छियासठ में उसमें एक बार उन्नीस में भारत चीन युद्ध हुआ था भारत चीन युद्ध उन्नीस में हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और 1965 में देश में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया था सूखा पड़ गया था फ्लड सॉरी सूखा पड़ गया ड्रॉट हो गया था बिल्कुल सूखा पड़ गया था अब जब ये सब कुछ हो गया हमारे देश में तो आपको क्या लग रहा है यहां पर तो आप कहोगे सर जब हम युद्ध में चले गए संस... तो हमारा जो सारा पैसा जो संसाधन है वो सारे के सारे कम हो गए जितनी जरूरत थी प्लान बनाने के लिए पैसों की कमी थी इसीलिए हमने देखो जब हमने तीसरी योजना बनाई तो तीसरी योजना के बाद योजना अवकाश लिया तीसरी योजना के बाद पूछेगा आपसे योजना अवकाश लिया और वो तीन वर्ष का अवकाश था छियासठ से लेकर उनहत्तर तक जब हमने एक एक साल वाली तीन योजनाएं बनाई उसके बाद चौथे को इसीलिए देखो 69 से 74 माना है तो आप कहोगे संसाधनों की कमी हो गई और वो कमी क्यों हो गई युद्ध के कारण सूखे के कारण तीन बार छोड़ दिया गया तीन वर्षों के लिए यानी तीसरी योजना के बाद मानव संसाधन विकास जो है वो किस योजना का मुख्य बिंदु था किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु था देखो आपको सारे मुख्य बिंदु याद करने हैं पहली का दूसरी का तीसरी चौथी पांचवी का मैंने आपको पहली का बता देना है तो मैंने कहा पहली का मुख्य बिंदु था कृषि का विकास करना कृषि का उत्पादन को बढ़ाना कृषि का विकास करना दूसरे का मुख्य बिंदु था उद्योगों का विकास करना यानी औद्योगिक विकास करना तीसरा पता है चौथा पता है पांचवे का था गरीबी और महंगाई दूर करना गरीबी व महंगाई दूर करना यह पांचवे का था छठे का भी याद रखना है कि छठे का था आधुनिकीकरण तकनीकी विकास आधुनिक बनाना है देश को और तकनीकी तौर पे विकास करना है यह इसका था सातवें का था क्षेत्रीय असमानता को कम करना है क्षेत्रीय असमानता है जो अलग अलग क्षेत्रों में उसको कम करना है आठवें का था मानव संसाधन विकास करना है मानव संसाधन का यानी उनको अच्छी नॉलेज अच्छी स्किल अच्छी हेल्थ और अच्छा रोजगार देना है यह आठवें का था नवी योजना का समय था नवी योजना का था सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस करनी है समाज में न्याय करना है और समानता करनी है ग्यारह बारह का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसलिए एक आखिरी होगा दसवें का समानवीय विकास और ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देना है समानवीय विकास और ऊर्जा को बढ़ावा देना है तो अब आप कहेंगे कि हर एक फील्ड में हर एक बार में किसी ना किसी एक को टारगेट किया गया है सर मेरी बात ना ध्यान से भाई लर्निंग वो तो आपको टेक्निकल टीम से ही पता चलेगा भाई तो टेक्निकल टीम पे कॉल करिए वो आपको साथ हेल्प करेंगे तो इसका मतलब आठवीं योजना है सर ये बानवे से सत्तानवे तक चली थी ये भी याद रखना इस समय प्रधानमंत्री का कार्यकाल ये पूछा जा सकता है पीवी नरसिम्हा राव का था जिन्हें हाल ही में भारत रत्न मिला है सर याद करिए ये भारत रतन प्राप्तकर्ता हो चुके हैं अब पांच लोगों को मिला इस साल उसमें एक ये भी शामिल हैं और याद रखना इसी साल में इकोनॉमिक में सुधार किए गए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए थे सुधार किए गए थे और जॉन डब्ल्यू मिलर जो कहा जाता है जॉन डब्ल्यू मिलर उन्हीं के आधार पर ये योजना उन्हीं के मॉडल पर आधारित थी तो कई बार आपको ये चीजें याद करनी है भाई इसके साथ साथ तो रिलेटेड याद रहेगा ना तो ये प्रधानमंत्री थे उस दौर में जब आठवीं योजना लाई गई थी पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था अब कितना आसान है का नंबर टेक्निकल टीम का नंबर क्या है भाई ये तो हर जगह अवेलेबल होगा और अगर हमारी टेक्निकल टीम क्लास देख रही है तो तुरंत लर्निंग भाई आपके पास आ जाएगा ठीक है और चलिए बताइए मुझे तो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रहा सर अब बताने की जरूरत नहीं है अब तो बेहद आसान हो गया आपने बता ही दिया पहली योजना थी एग्रीकल्चर वाली लेकिन हाँ ये याद रखना इक्यावन से छपन वाली जो पहली योजना थी देखो इसको लेकर एक दो सवाल और आते हैं कि इसमें मॉडल पर आधारित थी एक का नाम नाम है है और एक का डॉमर दो अलग अलग लोग हैं ये इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाने का पूरा मॉडल दिया था जो कृषि और सिंचाई पर पूरा केंद्रित था कृषि विकास करना और सिंचाई पर केंद्रित था ये और इस योजना में जो लक्ष्य था उससे ज्यादा प्राप्ति हो गई थी लक्ष्य से अधिक प्राप्ति थी क्योंकि लक्ष्य जो रखा था वो काफी कम था लक्ष्य से ज्यादा प्राप्ति हो गई थी और जो हमारा विभाजन हुआ था उन्नीस में इंडिया पाकिस्तान विभाजन की बात हो रही है विभाजन की जो हानि थी उसकी भी भरपाई इसी में करनी थी भाई विभाजन कर देने से जो देश को नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई भी तो इसी योजना में करनी थी तो एग्रीकल्चर को टारगेट करना था पहली योजना का लक्ष्य है और इस पूरे कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष रहे इसके प्रधानमंत्री पद पर रहे राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है एनडीसी का पदेन सचिव कौन होता है यह बताना है बताइए भाई मुझे एनडीसी का सेक्रेटरी कौन होता है देखो भाई याद रखो एक संस्था है मेरे दोस्त एनडीसी रिविजन मस्ट हो, होता है कि भाई आप उसको क्या करें चीजों को रिलेट करें सारी बातों को क्लियर करें यह बना है 6 अगस्त उन्नीस को और यह जो बना है इसका काम है योजनाओं को पास करना योजनाओं को मंजूरी देना योजनाओं को पास करना इसका काम है मंजूरी देने का काम है अब इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है पीएम इसका अध्यक्ष होता है पीएम योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है और इसका जो सेक्रेटरी होता है वो प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी होता है यानी प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी और एनडीसी का सेक्रेटरी दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन एनडीसी का चेयरमैन और देश का प्रधानमंत्री ये तीनों पोस्ट पर एक ही व्यक्ति बैठता है तो एनडीसी का सेक्रेटरी ही आपका प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी भी होता है इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए योजना आयोग की स्थापना 1950 में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी किसने कहा था योजना आयोग को बनाया जाए और 1950 में 15 मार्च को एक योजना आयोग बनाया जो कि गैर संवैधानिक यानी संविधान का हिस्सा नहीं है प्लानिंग कमीशन बना है 15 मार्च 1950। मेरे दोस्त बताइए इस बारे में कि 15 मार्च 1950 को बना है तो ये जो बना है ये कैसा है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है गैर संवैधानिक है संविधान में नहीं है और एडवाइजरी है ये एडवाइज करता है देश का विकास कैसे होना चाहिए ये सलाह देता है और संविधान में यहाँ नहीं है याद रखना और इसको बनाने के लिए देखो 1946 में एक समिति बनी थी जिसका नाम है केसी नियोगी सलाहकारी समिति सीख पा रहे ना भाई केसी नियोगी सलाहकारी समिति और उस समिति ने सलाह ये दी थी एडवाइस दी थी रिकमेंड किया था कि योजना बनाने के लिए पूरा आयोग बनाया जाए जो कि योजनाओं को बनाने का काम करेगा बात समझ पा रहे हो मेरी तो यहां पर याद रखना नियोगी समिति नियोगी कमेटी यानी केसी नियोगी और ये नियोगी लिखा है सर वो नियो, वो स्पेलिंग की कोई दिक्कत नहीं है एन आई वाई ओ जी लगा लो या एन ई ओ जी आई लगा लो इससे फर्क नहीं पड़ता इंपॉर्टेंट है नाम का आना आपके पास और आपने कहा सर ये प्लानिंग कमीशन एडवाइजर रिकमेंडेशन करने वाले और साथ में फाइनेंस कमीशन जो बना वित्त आयोग जो बना उसके पहले अध्यक्ष भी यही बने थे के सी नियोगी इनका नाम है एग्जेक्टली यहां शॉर्ट में नियोगी समिति लिखा है हमने चलिए कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई थी कौन सी योजना एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी अपने निर्धारित समय से चलिए मेरे दोस्त याद रखना तो देखो मेरे भाई तो जो पंचवर्षीय योजना है जो अपने निर्धारित समय से पूर्व समाप्त कर दी गई तो मेरे भाई वो है पांचवी योजना देखो पांचवी योजना सेवेंटी फोर से लेकर सेवेंटी नाइन तक आई थी लेकिन जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तो इंदिरा गांधी के चुनाव हारने के बाद छठी प्लानिंग लाई गई थी सिक्स प्लान लाया गया था जनता पार्टी के द्वारा वो भी रोलिंग कॉन्सेप्ट करके और उन्होंने कहा था कि प्लान प्लान जो प्लान होगा जिसमें बार बार एनालिसिस करेंगे वो 78 से, 1978 से 83 तक जाएगा लेकिन ध्यान से समझना बात को जब इंदिरा गांधी चुनाव जीत के वापस आ गई तो उन्होंने ये फैसले को कैंसिल कर दिया ये फैसला जनता पार्टी ने किया था और इस जनता पार्टी के फैसले को कांग्रेस ने आकर बंद कर दिया रोक दिया इसीलिए बाद में ये सेवेंटी पूरा नाइन तक था हो गया वहीं पर और जो छठा प्लान है वो सेवेंटी नाइन से शुरू हो एटी से शुरू करके एटी फाइव तक गया और बीच में जो एक साल सेवेंटी एट से एटी वाला था इतने टाइम तक ही रोलिंग प्लान चल पाया मेरी बात समझ रहे हो तो रोलिंग प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो होता पांच साल का ही है लेकिन उस प्लान का एनालिसिस बार बार करते हैं भाई इसी वजह से याद रखना उसे रोलिंग कहते हैं इसमें एक साल पांचवी योजना का है एक और एक साल बीच का है यह प्लान जो आया वो दो साल रह पाया बाद में नहीं रह पाया तो इसीलिए याद रखना पांचवे को एक साल पहले ही समाप्त किया गया अब देखो योजना वही सवाल अगला आया आपके पास रोलिंग योजना मत सोचना इसका टाइम कुछ अलग होगा टाइम अलग नहीं होगा टाइम तो फाइव ईयर या एक साल के प्लान में सही होगा यह कंसेप्ट वाइज अलग होता है रोलिंग योजना संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया गया था चलिए तो रोलिंग योजना वर्ड जो आया है वो कब आई है मैंने कहा जनता पार्टी ने जिसके लक्ष्य और जिसके फंड को बार बार एनालिसिस किया जाए हर साल तो 78 में आया और 80 तक चला दो ही वर्ष रह पाया है रोलिंग योजना की शुरुआत हुई है ध्यान से पढ़ के बताइए नीति आयोग को लेकर कौन सी स्टेटमेंट गलत है नीति आयोग को लेकर कौन सी स्टेटमेंट गलत है सॉरी कौन सी स्टेटमेंट सही है चलिए मेरे दोस्त सर ये 25 जनवरी 2016 को बना ये गलत है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में आता ये भी गलत है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में आता है इसकी उल्फॉम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये भी गलत है नेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए इंस्टीट्यूट नहीं और ये सरकार का थिंक टैंक है सोचता है सरकार के विषय में ये सही है ये सही है तो याद रखना इसमें यह पूछा है क्या सही है क्योंकि बाकी स्टेटमेंट जो है वो गलत है भाई चलिए अगला पॉइंट देखिए भारत का यो, योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है भारत का योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है चलिए मेरे भाई तो आपने कहा सर गैर संवैधानिक इसी को हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं इसी को गैर संवैधानिक कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बात एक ही है सर ये एनडीसी हो नीति आयोग हो या फिर योजना आयोग सारे असमान सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था बताइए सर जो मैंने टाइम लगाया सारी योजनाओं का एक एक बार डिस्कशन करने में उसके पीछे यही कारण था कि हर एक सवाल हर एक योजना पर आधारित होगा सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना यह कौन सी योजना का हिस्सा होगा अब तो आपको याद आ रहा है सर नाइन्थ फाइव ईयर प्लान जो कि आठवा था 92 से 97 तक और यह 97 से लेकर 2002 तक ये योजना जो आई थी कई प्रधानमंत्री रहे इसके अंदर 97 से 2002 में बार बार पीएम बदले हैं मुख्यतः जो पीएम रहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे मैंने कहा मुख्यतः पीएम जो रहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे वैसे इस बीच में आपको मैं बताऊं अटल बिहारी वाजपेयी ने तीन बार शपथ ली है प्रधानमंत्री की इसके अलावा एच डी देवेगोड़ा रहे हैं इंद्र कुमार गुजराल भी रहे हैं वैसे तो लेकिन मुख्यतः अटल बिहारी वाजपेयी रहे सातवें का भी बता चुका हूं आठ दसवें का भी और इसमें से आप जानते हैं नाइन्थ प्लान सही होगा तीसरी योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था तीसरी योजना की असफलता का मुख्य बिल्कुल एग्जाम के क्वेश्चन है भाई याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको वो करना होगा सॉल्व तो आप कहोगे उसका कारण ये था कि ड्रॉट यानी सूखा और युद्ध की स्थिति आ गई इसीलिए साधन कम हो गए और वो असफलता हो। स्थिरता के साथ विकास मतलब स्थिरता भी बनी रहे स्टेबिलिटी भी रहे और विकास भी होता रहे यह किस योजना का लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास मेरे दोस्त याद रखो सर स्थिरता के साथ यह चौथी योजना का था चौथी योजना में स्थिरता के साथ विकास की बात भी की थी इंदिरा गांधी पीएम थी एटी सिक्सटी नाइन में है ना भाई इंदिरा गांधी का पीएम का कार्यकाल था यहां प्रगतिशील आत्मनिर्भरता की भी बात की गई थी कि प्रगतिशील आत्मनिर्भर होगा और साथ ही याद रखना यहां पर स्थिरता के साथ विकास यानी ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी यह टर्म भी आपको याद रखनी है तीसरे में वैसे आपको याद है तीसरी सब असफल योजना पूछी जाए सबसे असफल योजना तो वो तीसरी थी सबसे कम वृद्धि दर सबसे कम वृद्धि दर जो है वो तीसरे में थी सबसे कम वृद्धि दर तीसरे में थी और इसीलिए याद रखना तीसरे को गाडगिल योजना भी कहा जाता है और गाडगिल योजना कहते हैं क्योंकि गाड़गिल उस समय डिप्टी चेयरमैन थे तो याद रखना चौथे और तीसरे दोनों के बारे में योजना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है सर सात बजे वाली करंट अफेयर साढ़े छह बजे होती है सुबह डेली करंट अफेयर और आज की हो चुकी है आज एक्चुअली लाइव होने में थोड़ा इश्यू आ गया था टेक्निकली एरर हो रहा था इसलिए वो क्लास दोपहर बारह बजे हुई है करंट अफेयर लेकिन हो चुकी है आप सभी लोग उस क्लास को जरूर देख ले और कल जो मैंने कराया था कल मैंने कराया था आपके पास करंट अफेयर का रिवीजन कराया था करंट अफेयर की रिवीजन क्लास वन कराई थी मैंने वो आपको याद होनी चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आता है ये याद रखिए भाई इसका खुद का अपना एक मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग किस योजना में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने पर केंद्रित किया गया था क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना पर ध्यान केंद्रित किया गया था किस योजना में अब आसान हो जाएगा आप हाँ बिल्कुल भाई मैंने आ, क्लास बिल्कुल हुई है मैंने क्लास दोपहर बारह बजे ली है लाइव ली है वो क्लास ठीक है चलिए भाई तो अब आपको याद आ रहा है सर सातवीं योजना जिस समय उन्नीस से लेकर नब्बे तक का कार्यकाल था और मुख्य तौर पर राजीव गांधी पीएम थे बाद में कुछ समय के लिए वीपी सिंह बने थे लेकिन मुख्यतः राजीव गांधी पीएम थे जो उनके कार्यकाल में योजना आई थी चलिए कोई बात नहीं है भाई किस योजना को गाडगिल योजना भी जाना जाता है किस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है चलिए भाई किस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है गाड़गिल योजना किस योजना को कहते हैं? अब मैंने बताया था ये गाडगिल कौन है डॉक्टर डी आर गाडगिल है इनका नाम ये क्या है इनका नाम डी आर गाडगिल और ये जो गाडगिल है हमारे ये एक व्यक्ति हैं बेसिकली जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे <coughs> योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं और ये जो उपाध्यक्ष रहे उस दौर उस समय में तो इसीलिए कहा जाता है जो तीसरा फाइव ईयर प्लान है कई जगहों पर हम कंफ्यूज होते चौथे को लेकर नहीं तीसरा ही है जिसको गाडगिल प्लान कहते हैं नीति आयोग ने पहला पंद्रह साल का रोड मैप यानी पंद्रह साल की योजना पंद्रह साल का मैप यानी पंद्रह साल की पहली योजना कौन से वर्ष से कब तक चलने वाली है नीति आयोग के द्वारा जो पंद्रह साल का रोड मैप लाया गया है नीति आयोग के द्वारा वो पहला है 2017 से लेकर 2032 तक क्योंकि आप जानते हैं 2012 से 2017 तक बारहवीं योजना चली है और बारहवीं के बाद जो है फिर आपकी शुरू हो गई कौन सी आपके पास पंद्रह साल वाली पहली योजना आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची में आता है संविधान में जो सातवां शेड्यूल है हमारी सातवीं अनुसूची है उसके अंदर जो तीन कैटेगरी है उसमें से किस कैटेगरी में आता है यह आर्थिक नियोजन तो आर्थिक नियोजन किस कैटेगरी में आता है आर्थिक नियोजन में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों बना सकती है योजनाएं इसलिए इसको कहते हैं कॉन्करेंट, दोनों में आता है तेज और अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य था किस योजना में तेज और अधिक समावेशी मैंने जो आपको याद कराए हैं सारे ग्यारहवे में पढ़ाया बारहवा पढ़ाया दसवा नवा सारे बताए मैंने आपको इसीलिए ताकि याद आ जाए समावेशी था ग्यारहवे में अधिक समावेशी था बारहवें में जिसमें मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी दोनों का कार्यकाल रहा है भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना किस नाम से जानी जाती है दूसरी योजना का नाम क्या कहोगे आप दूसरी योजना को किस नाम से जाना जाता है भाई चलिए भाई तो यह था सिर्फ इंडस्ट्री और इसी को कहते हैं पीसी महालोनोबिस मॉडल जो दूसरा था छप्पन से लेकर इकसठ वाली योजना इसे कहते हैं मॉडल जैसे पहला डॉमर से कहते हैं महालोनोबिस फेल्डमैन मॉडल इन दोनों के आधार पर था यह और इस योजना में एग्री हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने पर फोकस था औद्योगिक योजना इसीलिए कहा जा भारत में आर्थिक नियोजन वस्तु आधारित ना होकर जन आधारित होना चाहिए यह बात किसने कही है भारत में जो आर्थिक नियोजन है वो वस्तु आधारित ना होकर जन आधारित मतलब देश का डेवलपमेंट ऐसे ना देखा जाए कि भाई कि हमारी जीडीपी बढ़ गई हमारा व्यापार बढ़ गया देश का डेवलपमेंट ऐसे देखा जाए लोगों का जीवन स्तर कितना सुधर गया यह बात किसकी कही होगी बताइए सोचकर किसने कहा होगा तो ये बात जो कही गई है कि आर्थिक नियोजन जो है वो वस्तु पर आधारित ना होकर लोगों के जीवन को बेहतर करने पर आधारित होना चाहिए ए के सेन ए के सेन का मतलब है अमृत्य कुमार सेन यहां जो ए के सेन वर्ड है वो है अमृत्य कुमार सेन अब जानते हैं ये एक कल्याणकारी अर्थशास्त्री हैं इनको भारत रत्न और नॉबल दोनों मिले हैं ये कल्याणकारी अर्थशास्त्री कहलाते हैं इनको भारत रत्न भी मिला है और नॉबल पुरस्कार भी मिला है भारत रत्न भी मिला है और नोबल भी मिला है यह है भारत में किसने कहा था पीपल्स प्लान होना चाहिए यानी किसने पीपल्स प्लान की बात की थी कि भारत में जो प्लान है वो पीपल्स यानी कि जैसे साम्यवादी देशों में होते हैं वो होना चाहिए देखो मैं आपको बताऊं कि यहां पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं वैसे मुंबई के आठ उद्योगपति लोगों ने मिलकर कहा था इसका नाम बॉम्बे प्लान होना चाहिए आठ लोगों ने मिलकर बोला था इसका नाम बॉम्बे प्लान होना चाहिए आठ उद्योगपतियों ने 1944 में ही एक थे गांधीन प्लान याद रखना ये सब रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको श्रीमन नारायण अग्रवाल आप देखो यहां पर ये नाम रखा है सर श्रीमन नारायण अग्रवाल इन्होंने गांधियन कहा था 1945 में याद रखना एम पीपल्स प्लान बोला गया था इसका नाम कि पीपल्स प्लान होना चाहिए एम एन रॉय के द्वारा जिनको हम शॉर्ट में एम एन रॉय कहते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय है 1950 में एक ने कहा था कि इसका नाम सर्वोदय प्लान होना चाहिए वो कहने वाले व्यक्ति का नाम था जेपी जयप्रकाश नारायण अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नामों से जाना है तो यहां पर क्योंकि पीपल्स प्लान पूछा है तो आप कहोगे सर मानवेंद्रनाथ रॉय एम एन रॉय ने कहा था प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था पहली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था पहली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए भाई मुझे जल्दी से क्या उद्देश्य था तो आप कहोगे सर पहली योजना में था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करना ऐसा नहीं पढ़ाया गरीबी दूर करना नहीं पढ़ाया कृषि और औद्योगिक जनसंख्या में वृद्धि करना यह भी नहीं था कृषि की जनसंख्या को कहाँ बढ़ाना है सिर्फ एग्रीकल्चर क्यों देख रहे हो? आगे भी तो कुछ देख लो कृषि सर का मतलब बढ़ाना, बढ़ाना। इसका काम यह था कृषि का विकास करना सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना और युद्ध विभाजन में जो नुकसान हुआ उसको पूरा करना यहां कृषि जनसंख्या बोला है इंग्लिश में पॉपुलेशन बोला है इसीलिए मैंने कहा कृषि मत देखो खाली आगे की स्टेटमेंट को पढ़ो और ये मोस्टली स्टूडेंट एग्जाम में गलत करके आए रियल पेपर में है क्वेश्चन वो तो गलती इसी वजह से हुई है मैंने इसलिए बताया अभी आप योजनाओं को बनाने का उद्देश्य क्या है प्रैक्टिस किस लिए करते हैं हम लोग भाई कि जो दिक्कतें परेशानियां होती हैं जो कॉन्फिडेंस हमारा लो होता है उसको हाई करने के लिए चीजों को अच्छा बनाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा समय पर चलिए भाई कोई बात नहीं भाई इसको ध्यान रखना है तो अब याद रखिए भाई तो आपने कहा सर ग्रोथ भी हो जाए गरीबी दूर हो जाए रोजगार आ जाए मॉडर्न हो जाए प्रति व्यक्ति आए बढ़ जाए सब कुछ हो जाए सर बिहार का कब कराएंगे भाई बिहार का कब कराएंगे हाँ बिहार वाले भी बात कर लेता हूं चलो पूछ लिया है तो, तो मेरे भाई याद रखना तो जो बिहार है बिहार की जो करंट अफेयर है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 का सपना है उनका बीपीएससी टीआर थ्री का सपना है इस बार सिलेक्शन लेना है तो उनको बिहार की करंट अफेयर या बिहार के लिए नेशनल करंट अफेयर बिहार के लिए इकोनॉमिक्स और जीएस का सेगमेंट चाहिए तो कल मैं कराने वाला हूँ बिहार की करंट अफेयर इसके लिए इसी चैनल पर रहिएगा सब्सक्राइब तो कर ही लिया आपने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बिहार करंट अफेयर की क्लास कितने बजे लाइव होगी ठीक है लेकिन वो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगी बिहार में तीन से चार सवाल आते हैं और आप जानते हैं कि पिछली बार लोग एक एक नंबर से रह गए थे चलिए भाई, तो कल लेकर आएंगे और पहली तो का तो बारहवीं चल रही थी जी के लिए दूसरे सर करा रहे करंट रिविजन आप देख रहे हो लगातार हमारे जीत राणा सर करा रहे हैं करंट अफेयर तो किसी की जिम्मेदारी जीत राणा सर के पास सेक्शन की जिम्मेदारी मेरे पास है भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का नीति आयोग का और याद रखना जो हमारा एनडीसी है उसका तो योजना आयोग नीति आयोग और एनडीसी जो है इसके लिए याद रखना भाई हमारे प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं भारतीय स्वतंत्रता के समय 50 वर्ष पूरे जब हुए तो उसकी कौन सी योजना लाई गई देखो लैंग्वेज को समझो एग्जाम में प्रैक्टिस में लैंग्वेज को समझना है सर सीधा सवाल नहीं पूछ रहा है कि बताओ आज उन्नीस में कौन सी हुई सवाल ऐसे पूछ रहा है कि जब आजादी मिली उसके 50 साल हो गए फिर कौन सी योजना आई बस ये लैंग्वेज बदलने का काम ही एग्जामिनर का होगा तो आपको याद है सत्तानवे से लेकर 2002 तक सत्तानवे से लेकर 2002 तक जो योजना मैंने कहा सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित थी वो तो नवी योजना ही तो थी

1928 में सोवियत संघ में पहली बार इस पे काम हुआ था तो सोवियत प्लान में किया गया था वहीं से हमने इसको सीखा है गरीबी हटाओ का नारा किस कार्यक्रम में दिया किस पंचवर्षीय योजना में दिया गरीबी बहुत मुख्य तौर पर थी देखो गरीबी हटाओ की जब हम जिक्र करते हैं ना तो याद रखना 1971 में पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ जरूर था लेकिन एक योजना के अंदर केंद्र बिंदु बन जाना यह हमारा पांचवी सेवेंटी फोर से जो कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई थी आपको याद है भाई उस समय किया गया इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान में जो हमारे सीईओ है उनका नाम क्या है वर्तमान में जो सीईओ है नीति आयोग में उनका नाम क्या है भाई चलिए बताइए क्या लगता है आपको देखो चलिए भाई बी वी आर सुब्रमण्यम वर्तमान के सीईओ सीईओ पूछा भाई याद रखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगला क्वेश्चन कौन से नीति आयोग का पदेन सदस्य नहीं है नाम मैंने बताया नाम है बी वी आर सुब्रमण्यम सीईओ का और जो सुमन बैरी आपने बोला है वो है उसके डिप्टी चेयरमैन पर ये याद रखो और ये भी याद रखो पदेन सदस्यों में कौन आता है चलिए क्या लगता है भाई आप लोगों को चलिए भाई बिल्कुल आएगा ना भाई क्वेश्चन करने से आता है सब कुछ फाइनेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर रेलवे नहीं होते रेलवे इसके सदस्य नहीं होते तीसरी योजना किस मॉडल पर आधारित थी बताइए चलिए दोस्त क्या लगता है इसलिए भाई तो, तो देखो तीसरी योजना जो थी उसको कहते हैं सुखम चक्रवर्ती मॉडल देखो याद रखो जो चौथी योजना थी वो थी हमारी अशोक रुद्रमन जो महाल नौबी से वो है दूसरी योजना जो हमारा डीपी दर है वो पांचवी योजना ये सारी योजनाओं का पता होना चाहिए क्योंकि इससे आपको डबल फायदा होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगला देखो भाई किस योजना की विकास दर न्यूनतम थी इस विकास दर न्यूनतम रही थी बताइए मुझे चलिए भाई कुमार बताइए मुझे तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया तीसरे में सबसे कम थी जो कि दो दशमलव आठ प्रतिशत थी अब तक की सबसे कम वही अगला है अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति जो 1938 में बनी थी उसका अध्यक्ष कौन था राष्ट्रीय योजना समिति एनडी नेशनल प्लानिंग कमेटी कहते हैं इसे नेशनल प्लानिंग कमेटी कहते हैं जो उन्नीस में बनी थी और इसको बनाया था उस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे याद रखना और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे सुभाष चंद्र बोस थे सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस अध्यक्ष थे कांग्रेस की लीड करते थे उस समय वो लेकिन नेहरू जी को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था उन्नीस में भारत में किस योज समय को एक किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं है बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है किसी भी पंचवर्षीय में सम्मिलित नहीं है पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित नहीं है कौन सा क्या लगता है भाई देखो 69 से 70 ये चौथी योजना में आता है सर तीन से चार ये इस समय दसवीं चल रही थी आठ से नौ इस समय ग्यारहवीं चल रही थी इक्यानवे से बानवे किसी योजना में नहीं आता यह वार्षिक थी एक साल वाली थी तो नब्बे से इक्यानवे और इक्यानवे से बानवे ऐसा समय था जो किसी प्लान में नहीं था नीति आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है नीति आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है तो जो हमारा नीति आयोग है उसके अंदर चार सदस्य बने चार में से तीन तो पुराने हैं एक नया बना है चार में एक का नाम है वी के सारस्वत <laughs> एक का नाम है रमेश चंद एक का नाम है विनोद पॉल लेकिन जो अब बने हैं रिसेंट में 2023 में अरविंद विरमाणी ये सब अलग अलग फील्ड के आते हैं अलग अलग फील्ड से इनका नाम है अरविंद विरमाणी ये इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट है क्योंकि चार ऐसे लोग जो किसी राजनीतिक पार्टी से रिलेट नहीं करते वो इसके पूर्णकालिक सदस्य है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है जिसमें पहली बार बात की गई थी इसमें पहली बार इस बात को जिक्र किया गया था कि भारत को भी प्लान बनाने चाहिए भारत को भी डेवलपमेंट करना चाहिए तो भारत को जो प्लान बनाने का जिक्र दिया गया है ना विश्ववेश्वरिया ने उन्नीस में किताब लिखी थी 1934 में इस किताब में ही सबसे पहले उन्होंने प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक किताब में ही इसको कहा था रिकमेंड किया था इंडिया की की प्लानिंग के बारे में बात की थी। तो इस प्रकार से जब आपके पास एस का या रेलवे का या पुलिस का या स्टेट का कोई एग्जाम होता है और जब आप उसमें देखते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आती है कि एग्जाम में किस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है आपसे आप बस उसी को करेंगे लगातार उसे करने से आपके लिए बेहतर हो जाएगा तो आज की हमारी इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन है लेकिन आपको पता है कि जीएस का सेगमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो गेम चेंजर है आपके आपके लिए लिए क्योंकि जीएस जीएस के बिना स्कोर करना मुश्किल हो जाता है है में में अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, नहीं आए तो सिलेबस इतना वास्ट है कि कर नहीं पाते कोशिश यही है कि जो समझ में आता है वो बेहतर है और जो नहीं आता कई बार उसको रट कर जाइए उसको पढ़कर जाइए प्रैक्टिस करके जाइए क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन करके आना जरूरी है उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला आपसे कई बार आपने देखो हर तरह का कहते हैं ना कुछ भी पाने के लिए आपको हर तरह का प्रयास करना होगा तो कई बार आपको कुछ चीजें वैसे ही याद रह जाती हैं बार बार रिपीट होती है इस वजह से दिमाग में रहती हैं सही जवाब आ जाता है और सही जवाब से ही आपका सिलेक्शन होता है तो प्रैक्टिस आपके लिए लेकर आएगी और इकोनॉमिक की प्रॉब्लम रहती है होपली ये नहीं रहेगी हर फ्राइडे को मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सेगमेंट लेकर आ रहा हूं और मंडे को भी आपके लिए सेगमेंट रहेगा यहां पर हिस्ट्री जी के सेगमेंट के अंदर आज के लिए इतना है थैंक यू एवरी थैंक यू सो मच